व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल, यू आर वॉचिंग दानो हम। सो आज के दिन मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। तो वो इस तरह शुरू होती है कि मेरे पास एक लाइट थी, उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। तो वो मैंने बैटरी रिप्लेस कराई, तो जो उसके पास है, जो मुझे बैटरी मिली ना, उसकी एक्सेस बैटरी जो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा इसका बनाया जाए पावर बैंक, ठीक है। तो जब पावर बैंक मैंने बना रहा था, तो मेरे से एक हो गया मसला। मैंने ना, ये पावर बैंक था, ठीक है, तो इसकी जो प्लास्टिक थी ना, वो मुझे काटनी थी, तो मैंने ब्लेड रख के उसको टेबल पे रखा, और ये जो लाइट अभी जली हुई है, ये बंद थी उस वक्त, सही कमरे में थोड़ा अंधेरा था, तो मैंने वो काटने की कोशिश की। उस पर एक हथौड़ी का ना एक मैंने वो किया, मारा, ठीक है। तो मैं सोचा चलो लाइट जला लेता हूँ। जब मैंने लाइट जलाई तो पता चला मेरे हेडफोन की केबल दोनों कट गई। अब मेरे हेडफोन नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। थोड़ा मोमेंट ऑफ साइलेंस। बहरहाल वो तो हो गए ख़राब, और मेरे पास और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। खैर, फिर मैंने वो नकली बैटरी, यानी जो ख़राब बैटरी थी, उसको ये पावर बैंक खोल कर इसकी जो नकली बैटरियाँ थी वो मैंने फेंक दी, और वो वाली जो ख़राब बैटरी थी वो उसके अंदर लगाई, ठीक है। वो नहीं चली, तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैंने अपनी लाइट के लिए एक नई बैटरी ख़रीदी थी, क्यों ना हम इसके लिए भी दोबारा से एक नई बैटरी ख़रीदी। तो वो मैं आज गया हूँ बैटरी लेने, तो वो आप वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम यार, मुझे ना बैटरी दे दो जो मैंने कल ली थी ना, ये इस तरह की बैटरी दे दो एक। फिर क्या नाम है, मैंने जब वो बैटरी ख़रीदी, तो फिर मैं गया एक दुकान पर, मोबाइल शॉप की दुकान के अंदर, जहाँ पे मोबाइल रिपेयर वगैरह होते हैं। वहाँ पर मैंने जाने के बाद क्या किया, मैंने वहाँ पे अंकल को कहा कि वो पुरानी वाली बैटरी निकाल कर नई वाली बैटरी को सॉल्डर कर दिया जाए, सही है। तो यही चीज़ मैंने की, और फिर मैंने जब उन्होंने वो लगा दी थी, तो फिर मैंने इसको इस तरह शेप में लगा कर इसको अलाइन कर दिया इसके सॉकेट की जगह पर, ठीक है। और फिर घर आकर मैंने इसके ऊपर टेप लपेट ली। तो इस तरह मेरे पास ये तैयार हो गया पावर बैंक, TIY पावर बैंक, और ये बिल्कुल चलता है। मैंने इसको चार्ज भी किया था, और ये मैं इसके अंदर इस तरह लगाऊंगा, ये देखिए ऑन हो गया। हाँ, तो मैं इसके अंदर फ़ोन लगा लूँगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास फ़ोन है, और ये मैंने चार्ज पे लगाया और ये चार्ज हो रहा है। तो या अब मैंने इसको थोड़ी देर चार्ज किया, अभी 47% है, तो चलिए देखते हैं ये कितनी देर में चार्ज होता है। सो गाइस, ये है इसका एक अप क्लोज लुक पावर बैंक का, कि मैंने किस तरह लगाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके इंटरनल्स हैं, ये पावर बैंक ही था प्रीवियसली, लेकिन अब ये और अच्छा वाला पावर बैंक हो गया, और इस तरह मैंने टेप लगाया। और ये जो ब्लैक मार्किंग इसके ऊपर आई हुई हैं, ये इससे पहले वाली टेप की है, क्योंकि वो भी मैंने इसी तरह, जिस तरह आप देख रहे हैं, वो मैंने ये टेप लगाई थी। तो फिर वो मैंने उतार के, जब वो नहीं चला, तो फिर मैंने उतार के नए सिरे से दोबारा से टेप लगाई है, ताकि ये इस तरह की शेप में आ जाए। तो ये नॉर्मली एक हाथ के हिसाब से है, और एकदम ठीक है। और ये मेरे सोनी के हेडफोन्स है, ये अब ये ख़राब हो चुके हैं एक तरीके से। ये इसकी केबल थी, मुझे बहुत पसंद थे हेडफोन, क्योंकि मैं फ़ोन में लगा के पबजी खेलता था, और अब ये मैं जब नहीं खेलता था ना पबजी, तो मुझे इसकी याद आती थी, तो फिर ये मैं ढूंढ कर लेकर आता था कि मैंने कहाँ रखे हैं, ताकि मैं ये लगा कर खेलूँ गेम इससे। बहरहाल अब ये ख़राब हो चुके हैं एक तरह से, इनकी केबल टूट गई है आपस में, वो कट गई ब्लेड की वजह से माइनस, और वो देखो इत्तफाकन दोनों केबलें कटी हैं। और इससे सबसे बड़ा मुझे नुकसान इस बात का हुआ है कि कभी कभार मैं अपनी YouTube की वीडियो जो मैं बनाता था आपकी खातिर, इसका माइक्रोफोन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करता था, कि हम बहुत खुश थे इससे। बहरहाल अब ये केबल कट गई, और फिर अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। हालांकि ये मैंने इनके साथ बहुत अच्छा वक्त अपना गुजारा है, काफ़ी साल, और आप इसकी हालत से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी यूज्ड हुए हैं। तो यस, ये एक तरह से बहुत अच्छे हेडफोन थे, असली हेडफोन थे सोनी के, और मार्केट में अब इस तरह के हैं भी नहीं, और मुझे मिल भी नहीं रहे जिस तरह, जो इस तरह का साउंड ऑडियो वगैरह वो मीट कर सकें। बहुत ही स्मूथ थे ये, हर चीज़ बहुत अच्छे थे। बहरहाल मैं इनको हर जगह कैरी करके आराम से ले जाया करता था। बहरहाल अब ये नहीं रहे, तो मुझे बहुत दुख है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई हो,
और अगर अच्छी लगी और आप इस तरह के और DIY देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। टिल देन हैव अ लवली डे, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।